हमारे यूट्यूब चैनल अलहबी क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। हमारे सारे ही प्रश्न वन लाइनर हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना ले और अधिक से अधिक प्रश्न आप लोगों का तैयार हो सके। आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो ऋग वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है वो गाय को समझा जाता था। बच्चों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। संस्कारों की कितनी संख्या है? तो हमारे भारतीय समाज में संस्कारों की संख्या जो है वो 16 संस्कार है, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब जो है संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं 16 संस्कारों के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो उपाध्याय कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा और समिति दो को प्रजापत की दो पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है? तो सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापत की दो पुत्रियाँ कहा गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वो है बोगाज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृत का धुर किसे समझा जाता था? तो कुर और पंचाल को जो है, पांचाल को आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता से था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ में जो है उनका धर्म प्रमुख रूप से दिखाई देता था आर्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में जो है बृहस्पति को उनका पुरोहित समझा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वैदिक नदी सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो जो गंडक नदी है उसी का नाम सदानीरा था पहले, अब गंडक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो शतुद्री का आधुनिक नाम जो है वो सतलज नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो वो है लोपामुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो है सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो है उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से में प्राप्त होता है वो है कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी ओम, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई लौह धात के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वो है अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर शब्द का क्या अर्थ है? तो आर शब्द का अर्थ जो है वो है एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सुमेलित है वेद और ब्राह्मण से, तो ये ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण है ऐत्रेय।
साम वेद का जो है वो पंचभीष है, अथर्वेद का जो है वो गोपथ है, यजुर्वेद का जो है शतपथ है। बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।